हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर मोशन एंड टाइम। तो मोशन के बारे में आपने सिक्स स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, तो उन मेमोरीज को रिकॉल करते हुए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सी मोशन है। तो सबसे पहले है पैडल ऑफ बाईसाइकिल इन मोशन। बाईसाइकिल का पैडल जो है कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। मोशन ऑफ अ स्विंग, स्विंग जो है इस तरह से चलता है टू एंड फ्रो, सो इसका पीरियोडिक मोशन होगा। देन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये दो तरह की मोशन हो सकती है, एक तो पीरियोडिक, दूसरा सर्कुलर। और अपने एक्सिस पे भी अर्थ जो है रोटेट करती हुई आगे को चलती है, तो रोटेशनल मोशन भी यहाँ पे होता है। देन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, सर्कुलर मोशन। सोल्जर्स इन अ मार्च पास, दे आर ऑल्सो हैविंग स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन। तो आपको कुछ याद आ गया होगा, आपने सारा पढ़ा है। तो हम मोशन को कैसे समझें कि मोशन क्या है, तो यहाँ पे बताया ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे, व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, जब इसकी पोजीशन टाइम और इसके सराउंडिंग के साथ चेंज होती है। लेट फॉर एग्जांपल, हियर वी हैव अ बिल्डिंग एंड अ कार इज स्टैंडिंग हियर एट पॉइंट ए। तो यहाँ से जो गाड़ी है बी पॉइंट तक पहुँची। अब देखिए, हमने बोला कि कब है मोशन, व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, यहाँ से पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो गाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज 5 मिनट लगाए, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग देखिए, पहले ये गाड़ी इस बिल्डिंग के इतनी पास खड़ी थी, नाउ इसलिए यहाँ पहुँच गई, तो इसकी डिस्टेंस जो है बिल्डिंग से क्वाइट फार फर्दर हो गई। तो इस तरह से हम कहेंगे कि गाड़ी क्या है, मोशन में है। और मोशन को और डिटेल में समझने के लिए या हम क्या देखते हैं कि कभी कभी अ बॉडी दैट अपीयर्स टू बी इन मोशन इन रिलेशन टू वन ऑब्जर्वर मे अपीयर टू बी एट रेस्ट इन रिलेशन टू अदर ऑब्जर्वर। देखने वाले पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप किसी गाड़ी में जा रहे हो और आप विंडो के पास बैठे हो, आप क्या देखते हो, जितने भी ट्रीज हैं या बिल्डिंग्स हैं वो सारे पीछे पीछे चले जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि वो मूव कर रहे हैं। नाउ कि अगर कोई रोड के साइड पे खड़ा है तो उसको वो चीज़ें क्या दिखेंगी, जो चीज़ें आपको दिख रही थी कि वो चल रही हैं, तो वो उसको क्या लगेंगी, स्टेशनरी लगेंगी। तो इस तरह से जो ये जो टर्म है मोशन, ये रिलेटिव है, ये डिपेंड करती है। जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई बैठा है आपके पास, तो आपको वो रेस्ट में लगता है, जबकि बाहर से कोई देखने वाला वो क्या बोलेगा कि आप दोनों, आप और आपके साथ जो बैठा है वो क्या है, मोशन में है। तो इसका मतलब ये क्या है, टर्म रिलेटिव है। ये एक्चुअली यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ जो है मोशन में है। नाउ अब हम देखेंगे कि स्लो एंड फास्ट मोशन क्या है, हम कैसे बताएं कि कोई चीज़ स्लो है और कोई चीज़ फास्ट है। एक ही चीज़ जो है वो स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। स्लो एंड फास्ट मोशन को समझने के लिए लेट फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि सपोज कि आप जो है घर से अपने स्कूल की तरफ गए और आपका डिस्टेंस है यहाँ पे 5 किलोमीटर और आप जो है बाइसिकल पे जा रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा आपको घर से स्कूल पहुँचने में। तो मैंने बोला कि आपको लगे 20 मिनट्स लगे। नाउ एक अनदर स्टूडेंट जो है सेम पॉइंट से जो है बस में बैठ के स्कूल गया, सेम डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर और उसको लगे सिर्फ 5 मिनट। अब इनमें से कौन सा स्लो और कौन सा फास्ट, ऑब्वियसली जो बाइसिकल है वो क्या है, स्लो है, और जो बस है वो क्या है, फास्ट है। अब ये स्लो और फास्ट हमने कैसे समझा, हमने देखा कि जिस चीज़ ने ज़्यादा टाइम लगाया सेम डिस्टेंस को कवर करने में
वो क्या हुई, स्लो, और जो कोई ऑब्जेक्ट ने कम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया तो हम कहेंगे वो क्या हुई, फास्ट हुई। सो हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन मूविंग फास्टर और स्लोअर। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा जो ऊपर वाले एग्जांपल मैंने आपको समझाई। जैसे कि आपकी रनिंग हो रही है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें गेम्स में, तो जो बच्चा थोड़ा टाइम में अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचता है तो वो फास्ट होता है, और जो पीछे रहता है वो स्लो होता है। इस तरह से फास्ट एंड स्लो आप समझ सकते हो। ये जहाँ पे गाड़ियों के एग्जांपल दिए हुए, इसको भी आप समझने की कोशिश कर सकते हो, कौन सी गाड़ी आगे उसी टाइम में जाएगी। और इस तरह से नाउ द मेयरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेयर करने के लिए हम क्या करें। मेयरमेंट करने के लिए हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जब हम किसी क्वांटिटी का, अननोन क्वांटिटी का किसी फिक्स क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर हमें एक मीटर क्लॉथ लेना है तो हम क्लॉथ को, जिसका हमें मेजरमेंट पता नहीं है, क्लॉथ पकड़ेंगे और उसको मीटर रोड के साथ कंपेयर करेंगे। जहाँ तक सपोज कि वो 50 सेंटीमीटर तक आया तो इट मीन्स कि हमारे पास हाफ मीटर क्लॉथ है। तो इसी तरह से हम लेंथ और मास का जो था हम मेयर किया था हमने 6th स्टैंडर्ड में। अभी हमने टाइम को मेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब तो टाइम को मेयर करने के लिए क्या है, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी थिंग दैट अपीयर्स एट रेगुलर इंटरवल्स कैन हेल्प अस टू मेयर टाइम। ऐसी चीज़ वो रेगुलर इंटरवल के बाद द्वारा अपीयर होती हो तो उससे हम जो है टाइम को मेयर कर सकते हैं। अब रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे कि अर्लियर टाइम के अंदर लोग क्या करते थे, उन इवेंट्स का हेल्प लेते थे जो कि टाइम को मेयर करने के लिए, जो कि रेगुलर इंटरवल के बाद जो थी दोबारा से अपीयर होती। जैसे कि टाइम जो है बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज, एक सनराइज और दूसरे सनराइज के बीच का टाइम क्या होना चाहिए, डे होगा। देन जो है वन सनसेट और अनदर सनसेट के बीच में जो टाइम है वो क्या होगा, नाइट होगा। तो हमने देखा कि रेगुलर इंटरवल के बाद जो चीज़ अपीयर हुई उसको उन्होंने मेयर करने के लिए, टाइम को मेयर करने के लिए यूज़ किया। इसी तरह से जो अर्थ है हमारी, सॉरी जो मून है वो अपीयर होता है तो वन न्यू मून एंड नेक्स्ट न्यू मून के बीच में जो टाइम होगा वो एक मंथ होगा। और ईयर को किस तरह से मेयर किया, तो टाइम जो है अर्थ ने एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करने के लिए टाइम लगाया, उसको हमने वन ईयर का टाइम दिया। तो अनदर जो थे मेयरमेंट के लिए, देयर वाज अ सनडायल। ये सनडायल क्या है, ये किस तरह से एक आप कह सकते हैं कोई प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर नंबर्स हैं और उसके ऊपर कोई जैसे कि कुछ भी चीज़ लगी है जिसका शेडो जो है सन की, जैसे जैसे सन मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन जो शेडो जो है जो जो नंबर पे आती है उसकी सेटिंग इस तरह से की होती है, तो जो कि हमें टाइम बताती है, जिसको हम सन डायल कहते हैं। इसकी शेप जो है डिफरेंट हो सकती है। हेयर आई हैव एन अनदर काइंड ऑफ सन डायल, हेयर दिस ऑब्जेक्ट एंड नंबर इज गिवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। व्हेन द शेडो, सपोज इट्स फॉलिंग ऑन अ 10 आई थिंक, वट एवर द नंबर मे बी, तो वी मेयर दैट अकॉर्डिंगली। तो हेयर इट्स शेडो इज फॉलिंग एज द सन मूव्स। तो ये दिन के टाइम तो ठीक है, अभी जब रात हो जा, सपोज कि इसका टाइम हमने कुछ एक्यूरेसी के साथ मेयर किया, बट एट नाइट जब सन नहीं है तब ये जो टाइम पीरियड है हम कैसे नोट करेंगे, तो ये इसका ड्रॉबैक था। तो सनडायल आपको समझ में आ गया होगा। सनडायल को समझने के लिए हम इस एक्टिविटी को भी देख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा क्लियरली बताएगी कि सपोज कि हमने एक फिक्स किया है, कुछ स्टिक फिक्स कर दी है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, मॉर्निंग के अंदर
हम देखेंगे ये स्टिक का शेडो कहाँ पड़ता है। सपोज ये यहाँ पड़ता है और हमने इसका टाइम नोट किया, ये 7 o'clock पे इतना लंबा था, इतना, ठीक है। देन जो जैसे जैसे सन जो है मूव कर रहा है तो इसका शेडो देखिए अब 10 o'clock पे यहाँ तक आ गया। अब जब सन जो है ओवरहेड है तो इसका शेडो बिल्कुल नीचे और छोटा बनेगा, और फिर जब आगे को जाएगा तो इसका शेडो जो है उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो इस तरह से शेडो को देखते हुए टाइम पीरियड को सनडाइल से नोटिस करते हैं। तो हियर वी हैव सीन कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो शेडो है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी अगर हम मेजर भी करके देखें तो। देन जो शेडो है वो कहाँ पड़ती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, जा सोर्स ऑफ द लाइट। देन शेडो जो है मूव अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द सन रिलेटिव टू द स्टिक, तो ये रिलेटिव टर्म है। देन है हमारे पास सैंड क्लॉक, ये जो सैंड क्लॉक है किस तरह से वर्क करता है, तो आप सब ने सैंड क्लॉक देखा होगा, तो इसके अंदर सैंड फील्ड होती है और जैसे ही जितना टाइम जो है सैंड जो है नीचे जाने में लगाएगी तो उसको हम एक टाइम पीरियड काउंट करेंगे। तो सैंड क्लॉक का यूज कौन करता था, रोमन लोग करते थे। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस है कि जो अमाउंट जो है दैट अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सैंड टेक्स कांस्टेंट टाइम टू फॉल फ्रॉम अपर चैम्बर टू द लोअर चैम्बर, ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगाएगी अगर हम उसको रिवर्स करके रख देंगे उतना ही टाइम मुझे फिर से नीचे से ऊपर जाने, मीन्स कि उल्टा के रखेंगे तो इक्वल टाइम लगाएगी ये सेम अमाउंट को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं आवर ग्लास भी कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल जो है टाइम को मेजर करने के लिए एंशंट टाइम में ये है जंतर मंतर, ये बनवाए थे महाराजा जयसिंह ने। तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आपको ये मिलेंगे, जैसे कि वाराणसी, उज्जैन, जयपुर, मथुरा के अंदर, दिल्ली के अंदर, और ये इतने बड़े हैं, ये बिग सन डायल हैं, तो जब इनकी शेडो पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम टाइम को बड़ी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने बताया है कि अप टू 2 सेकेंड तक का टाइम जो है एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं, बट सेम प्रॉब्लम, दे वर्क ओनली एट द डे टाइम, एट नाइट टाइम दे विल नॉट वर्क। तो जितने भी हमने ये पढ़े हैं टाइम में को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो हमने एंशिएंट टाइम के किए, तो वो पूरी तरह एक्यूरेट नहीं थे, हर एक में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था। तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमें और एक्यूरेट मेजरमेंट के डिवाइस की ज़रूरत थी, जिसको फाइंड किया गैलीलियो गैलीली ने इन द फॉर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट वी विल डू इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।